नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हम आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गोवा बनाम महाराष्ट्र के खेले गए वेस्ट जोन ब्लैंक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के बारे में, जहाँ पर क्या क्या हुआ उस सारी की सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। तो पहले बैटिंग कर रही थी गोवा की टीम और उन्होंने अपने कप्तान को जल्दी गवा दिया बिना किसी रन के स्कोर पर, और कप्तान बिना कदा खोले गए आफ्ताब पटेल। उसके बाद थोड़ी बहुत संघर्ष किया गोवा की टीम के बल्लेबाजों ने और किसी तरह से गिरते पड़ते 111 रन तक बनाने में कामयाब रहे 15 ओवरों में। उसके जवाब में महाराष्ट्र ने बड़े ही आसानी से सिर्फ 6 ओवरों में उस मुकाबले को जीत लिया, और एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम करते हुए इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है और विजेता बन चुके हैं इस वेस्ट जोन टूर्नामेंट के महाराष्ट्र की टीम। तो महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, अनबीटन रहे और कमाल के परफॉर्मेंसेस हमने देखे रोहित के, खासकर जिस तरह से उन्होंने, मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सेप्ट फाइनल्स हर गेम में स्कोर किया है, और जिस तरह से बैटिंग की है बेहतरीन रही है, मतलब आप बोल सकते हैं कि काबिले तारीफ बल्लेबाजी रही है पहले मैच से लेके अभी तक, और काफी कमाल का एफर्ट रहा है एवरी प्लेयर फ्रॉम महाराष्ट्र जिसने खेला है। अगर हम स्वप्निल उठा के देख ले, उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, रोहित ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बाकी पूरी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, एकदम टीम एफर्ट आपको देखने के मिला है पूरे के पूरे टीम से। तो वो एक चीज है जो महाराष्ट्र की टीम ने की आज, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए, फील्डिंग एफर्ट्स बढ़िया रहे, बॉलिंग एकदम टाइट और इकोनॉमिकल रही, जिसके वजह से ज्यादा रन नहीं हो पाए, और बहुत ही टाइट बॉलिंग लाइनअप के वजह से 112 रन आसानी से चेस भी कर लिए और 111 पर रोकने में भी कामयाब रही महाराष्ट्र की टीम। तो इसको बोलते हैं काफ़ी बेहतरीन टीम एफर्ट और एकदम फॉर्मेडेबल परफॉर्मेंसेज रहा महाराष्ट्र की ओर से इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट की तरफ से देखे तो हम पहले गेम से लेके अभी तक अनडिफीटेड रहे, यानी कि एक भी मैच हारे नहीं हुए लोग। तो ये था आज का पूरा रिव्यू जो हमने लाया है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट भर का। तीनों मतलब आप बोल सकते हो कि हमने 3 दिन का काफ़ी अच्छा एक्शन देखा, जहां पर एक चीज़ तो कॉमन थी कि महाराष्ट्र को कोई हराने वाला मौजूद ही नहीं था इस पूरे टूर्नामेंट में। तो ये चीज़ थी, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।